पंकज त्रिपाठी तो मुझे हर फिल्म में लेना ही होता है, मुझे लगता है कि अब ऐसा लगेगा मैं पंकज त्रिपाठी को नहीं लूंगा तो कास्टिंग इनकम्प्लीट लगेंगे। बच्चों की कास्टिंग मेरा फेवरेट डिपार्टमेंट है, चाहे वो चिल्लर पार्टी हो चाहे बजरंगी भाईजान। इस फिल्म में मुझे 30 बच्चे कास्ट करने थे, दैट वाज फुली ब्लोन अवे विद हर परफॉर्मेंस। जब ये पहला बॉलीवुड का फिल्म उसका है, बिल्कुल लव सुने इज नॉट बॉलीवुड, इट्स अनकन्वेंशनल फिल्म। यस, मैं उनको इतना सीआईडी में देखा, हमेशा बोलता था कि जब भी शो खत्म हो मुझे आपको फिल्म में कास्ट करना है। हेलो, दिस इज मुकेश छाबड़ा एंड यू आर वॉचिंग बॉलीवुड हंगामा विद फरीदून। एक आपकी जो फिल्म आ रही है विच एवरीवन इज ईगरली वेटिंग फॉर इज सुपर 30, बहुत ही दिलचस्प फिल्म लग रही है, अगर आप उसकी कास्टिंग के बारे में कुछ बताना चाहें तो। आई थिंक वो बच्चों की कास्टिंग मेरा फेवरेट डिपार्टमेंट है, चाहे वो चिल्लर पार्टी हो चाहे बजरंगी भाईजान, दंगल, कहानी टू, अब देखे तो बहुत सारी फिल्में अभी चाहे भारत, तो मेरा फेवरेट डिपार्टमेंट है चिल्ड्रन कास्टिंग, तो इसलिए अब जो भी फिल्में बच्चे देखते हैं उससे पता लग जाता है कि मुकेश की कास्टिंग है। पर इस फिल्म में मुझे 30 बच्चे कास्ट करने थे, एक नहीं दो नहीं तीन होते हैं, एक फिल्म में तीन होते हैं, चार होते हैं, मैक्सिमम पाँच होते हैं, पर इसमें तो 30 के 30 रॉ जिन्होंने कभी एक्टिंग नहीं किया, सब ऐसे बच्चे हैं जो हमने पूरे पटना से और पूरे बिहार से जगह जगह से ढूंढे हैं, जगह पे जाके, तो वो 30 बच्चे बहुत इंटरेस्टिंग है जो फिल्म के जान है, जो सुपर 30 वो 30 बच्चे हैं। और उनको प्रोमो में हम देखते हैं, जिनको आप प्रोमो में भी वो बता रहे हैं कि निचले तबके से लोग आए हैं और जी, विच इज विजिबल इन द प्रोमो एज वेल। क्या ब्रीफ था आपको उसके लिए? आई थिंक वो ब्रीफ जब भी आप जब स्क्रिप्ट पढ़ा था उसके अंदर स्क्रिप्ट इतनी स्ट्रांग है कि अगर वो बच्चे वर्क नहीं करते तो शायद थोड़ा फिल्म उतना वर्क नहीं करेगा, तो वो टारगेट था कि और जब बच्चे इतने स्ट्रांग चाहिए एक्टर जो भी ऐसे लगने चाहिए कि जो बहुत उस रियल क्लास से बिलोंग करते हैं, जो कि आज बहुत बड़े आईआईटी में जाने वाले हैं, तो वो सबसे बड़ा ब्रीफ वाली था कि ऐसे बच्चे चाहिए कि जिसको हर फेस बहुत इंटरेस्टिंग होना चाहिए और ऐसा लगना चाहिए कि उन्होंने कभी किसी फिल्म में काम नहीं किया। मैंने बोला वो ठीक है, तो ऐसे बच्चे ढूंढेंगे जो मतलब किसी ने नहीं देखे हो। तो आई थिंक वी ऑडिशन मोर देन 14,000 किड्स ऑल ओवर इंडिया एंड दैट्स हाउ वी फाउंड दिस 30 जैम जिन्होंने कभी एक्टिंग नहीं किया, लोकल थिएटर ग्रुप में जाके, स्कूल्स में जाके, जिन्होंने कभी एक्टिंग नहीं करा, लोग सड़कों से बच्चों को पकड़ के उन सबको बुला के जो वर्कशॉप करके हमने बच्चों को निकाला। फिर फाइनली 1,000 हुए, फिर 400 हुए, फिर 300 हुए, फिर 200 हुए, फिर 300 बच्चे, फिर उसके बाद फिर ये 30 फाइनल हुए। इवन मृणाल की भी कास्टिंग, मृणाल की कास्टिंग आप ही ने करी है? जी राइट। मृणाल का मैंने एक फिल्म देखा था जो लव सोनिया करके, उसके प्रोसेस में देखा था, वो फिल्म इंडिया में रिलीज नहीं होता, पर मैंने वो फिल्म बहुत पहले देखा था क्रेडिट टेबल पे, तो तब से वो लड़की दिमाग में दिखी, शी सो टैलेंटेड, बिकॉज उसका जब उसको फिल्म देखा तो वाज फुली ब्लोन अवे विद हर परफॉर्मेंस। जब ये पहला बॉलीवुड का फिल्म उसका है, बिल्कुल लव सुनिए इज नॉट बॉलीवुड, इट्स नॉट अनकन्वेंशनल फिल्म। यस, सो देन उसके लिए जब वो हम ढूंढ रहे थे कि ऐसी लड़की जो एक्टर भी अच्छी हो उसका फेस भी बहुत डिफरेंट हो, तो लगा, तो इसलिए हमने मृणाल ठाकुर को बुलाया था। Okay, and Pankaj Tripathi is there once again. Pankaj Tripathi तो मुझे हर फिल्म में लेना ही होता है, मुझे लगता है कि अब ऐसा लगेगा मैं Pankaj Tripathi को नहीं लूँगा तो कास्टिंग इनकम्प्लीट लगेंगे, तो मैं पहले Pankaj Tripathi के लिए कोई रोल ढूंढ के रख लेता हूँ। और बड़े टाइम बाद आप आदित्य श्रीवास्तव को देखेंगे इस फिल्म के अंदर, बिल्कुल बड़े टाइम बाद, क्योंकि मैं हमेशा मैं उनको इतना सीआईडी में देखा, हमेशा बोलता था कि जब भी शो खत्म हो मुझे आपको फिल्म में कास्ट करना है, तो जैसे ही मुझे मौका लगा कि उनका शो खत्म हो रहा है मैंने पहले ही पकड़ लिया उनको कि आप आइए, you need to come back, because Black Friday ke baad and Satya ke baad, matlab you need Aditya Srivastava back in the film industry, he is so good. Bilkul sahi baat. So I think film people were missing him. I think after this film, I'm sure he's going to get a lot of work in films. That's very interesting. Hello, this is Mukesh Chhabra and you're watching Bollywood Hangama with Faridoon.